आज जय मसीह की आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। आज आपको एक बहुत खास विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ। कल हम लोग कोरदार से और सतपुली के बीच में हमको एक पर्स मिला जिसमें मोबाइल और कुछ पैसे और बहुत सारी चीज़ें इस पर हमको प्राप्त हुई। हमने खोल के देखा लेकिन हम कॉल बैक नहीं कर पाए क्योंकि हमको नहीं मालूम था किसका है। फिर कुछ क्षण के बाद एक कॉल आया और हमने उसको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद हमने कहा आपका जो पर्स है हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि तू किसी वस्तु का लालच मत करना। हमारे सामने एक लालच था कि इसको क्यों ना अपने पास रख लें, लेकिन एक मसीह होने के नाते, एक मसीह को ग्रहण करने के नाते हमने ये लालच नहीं किया और हम इस पर्स की सेफ्टी के लिए अपने पास रखा। हमने कहा जब आप आओगे तो आप अपने पर्स को, अपने मोबाइल बहुत महंगा है, पैसे भी हैं और अन्य वस्तुएं भी इनके साथ साथ में हैं। सो खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि तो किसी चीज़ का लालच मत करना, क्योंकि लालची परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत से लोग अगर किसी दूसरे के हाथ में पड़ जाता ये तो शायद वो मोबाइल को उसके जो चिप पर निकाल देता और अपने पास रख लेता और बहुत से जो पैसे शायद उसका कुछ भी कर सकता था और उठा के। पर्स भी बहुत अच्छा है, ऐसे भी नहीं है। सो परमेश्वर ने हमें ऐसा दिमाग, ऐसा मन, ऐसा हृदय दिया है कि अब हमारे मन में कोई लालच नहीं है, ना कोई पदवी का लालच है, ना कोई सीट का लालच है, ना दुनिया के किसी वस्तु कोई लालच नहीं है। सो मित्रों, मसीह का मतलब यही है, मसीह को ग्रहण करने के बाद नया जीवन मिलता है और उस जीवन में कोई लालच, कोई घमंड नहीं है, कोई व्यभिचार की बातें नहीं है, कोई भी लोभ लालच नहीं है, किसी प्रकार की दुष्ट की ताकतें प्रवेश नहीं करती है। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे मनों को लालच से हटा दिया। हो सकता था मैं लालच कर सकता लेकिन अब लालच नहीं है और ये पर्स उनको सुरक्षित पहुंचा जाएगा। सो प्रभु को धन्यवाद हो। सो लालच परमेश्वर के, जो लालची है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आप भी एक लालची हैं तो अपने मन से, अपने हृदय से ये लालच की भावना हटाइएगा। जो चीज आपको किसी की मिलती है, खो जाती है, उसको कॉल करिए। यदि वो कॉल करता है तो उसको लौटाने की कोशिश करिएगा ताकि ये जीवन आपका पवित्र बना रहे और परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सके। थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष।